hello everyone, i'm trupti. welcome to npc, the channel where you can learn all the concepts of physics and in this way the important points that will be covered in this video lecture are continuous charge distribution as well as numerical based on this topic and this is very important for your exams. so stay tuned and watch this video till the end. in our previous video we have learned so many topics like coulomb's law, electric field, electric field due to a point charge and electric dipole. Okay, काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टडी की है इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो देन प्लीज गो टू द यूट्यूब सर्च बॉक्स एंड टाइप एन पी सी बाई तृप्ति सोलंकी सो इजीली यू विल गेट ऑल दिस वीडियो सो टूडेज इंपॉर्टेंट पॉइंट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है और उसका फॉर्मूला जो होता है ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर ये स्टडी किया है बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेसिकली दीज आर थ्री टाइप ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट वन इज लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके सो वन बाई वन हम पहले ये टर्म समझेंगे उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सो बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि लीनियर में या फिर एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ओके okay, इस वर्ड को आपको इस पूरे वीडियो में नहीं भूलना है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि चार्जेस एट एवरी पॉइंट ऑन डेट लाइन और वीकेंड से अदर जो भी आप शेप ले रहे हैं उस पॉइंट पर उस सरफेस पर या उस लाइन पर चार्जेस हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इक्वली ओके तो इसे आप बोलते हैं यूनिफॉर्म चार डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म चार डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड एट एवरी पॉइंट इज इक्वल ओके यहाँ पर हम अगर लीनियर चार डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो वन डी में आता है ओनली एक लाइन के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्जेस का सो दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बट इफ वी टेक अ सरफेस और कैन से अगर आप एक प्लेट लेते हैं और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूश करते हैं सो दिस इज कुल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके एंड ये टू डायमेंशन होता है मीन्स अगर आप एक्स और वाई प्लेन में या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स में किसी भी बॉडी को ले तो वो क्या होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली अगर कहें तो थ्री में होता है मीन्स एक्स वाई जेड ये तीनों प्लान में अगर कोई बॉडी है ओके okay, हमने अभी एग्जाम्पल के तौर तो पर क्यूब कंसिडर किया है ओके okay, अगर आप क्यूब लें तो क्यूब थ्री डायमेंशन होता है क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है तो उसमें अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है सो इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके अब बात आती है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर ये पर यूनिट लेंथ में करें ओके okay, या फिर पर यूनिट सरफेस या पर यूनिट वॉल्यूम में करें तो ये जो क्वांटिटी है ये एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओके मीन्स अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट लेंथ में तो उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर चार्जेस पर यूनिट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम देन इट इज सेड टू बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओके ये क्लियर है अब वन बाय वन लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या कहते हैं तो इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेसिकली हम लैम्डा से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन अ गिवन बॉडी ओके एक सिंपली वायर लिया है या फिर रॉड ली ओके तो आपने टोटल चार्ज वहाँ पर फाइंड आउट कर लिया टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ओके ये हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला एंड यूनिट विल बी सो यूनिट इज चार्ज की कुलम होती है एंड लेंथ की मीटर सो कुलम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी नाउ वी आर टॉकिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी दैन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाई सिग्मा इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है एंड इट इज इक्वस्ट टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया ओके यहां चार्ज पर यूनिट एरिया की बात है सो चार्ज पर यूनिट एरिया इज द सर्फेस चार्ज डेंसिटी एंड द यूनिट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वेयर बिकॉज एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वेयर लेंथ इन टू ब्रेड नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप रो से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम ओके वॉल्यूम में चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूट है उसे कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड द यूनिट विल बी कूलम पर मीटर क्यूब क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है और वॉल्यूम में तीनों लेंथ ब्रैथ एंड हाइट तीनों कंसिडर होते हैं सो यहाँ मीटर क्यूब ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो कि आगे के न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे ओके सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स According to question you have given a conducting wire of length L capital L and charge Q is distributed on the wire is uniformly. Okay, uniformly charge Q distributed hai. and a point P is located the line joining axis of this conducting wire at a distance A.

इस वायर के नियरर एंड से मीन ये वाला एंड नियरर है इस एंड से ए डिस्टेंस पर है ओके क्लियर है क्वेश्चन नाउ अभी तक हमने स्टडी किया है कि आप पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर ये इजीली आप मेजर कर सकते हैं ओके बट यहां पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है इन अ लीनियर वे ओके तो इसे हम कैसे सॉल्व करें और हमने डायपोल में पढ़ा है तो डायपोल में तो सिर्फ टू एंड्स में ही पोल होते हैं वहां पर बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है चार्ज का तो वो केस भी अलग हो गया बट यहां इस केस में हम ऐसा आ, क्या मेथड अप्लाई करें कि इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ओके तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर को स्मॉल सेगमेंट्स में कट कर लेते हैं ओके छोटे छोटे पार्ट्स में हम कट कर लेते हैं सपोज आपके पास एक ये पार्ट है और इस पार्ट से या इस सेगमेंट से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है ये हमने सपोज कर लिया और इस सेगमेंट इस छोटे से भाग का लेंथ डीएक्स होगा एंड क्यू जो चार्ज है वो टोटल चार्ज अगर क्यू है सो इस स्मॉल सेगमेंट के लिए चार्ज की वैल्यू डी होगी ओके okay, क्योंकि चार्ज भी इस पर स्मॉल होगा एंड अब बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू होगा इस डायरेक्शन में बिकॉज पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज होता है अगर यहां नेगेटिव लेते तो टू द चार्ज हो जाता है तो डायरेक्शन आपको क्लियर है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टिंग वायर इज ई e, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट इस डी ओके मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सेगमेंट के थ्रू जो आएगा वो डी स्मॉल अमाउंट का ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ओके okay, क्योंकि आपने स्मॉल पार्ट छोटा सा एक पार्ट कंसिडर किया है इस पूरे लेंथ से क्लियर है नाउ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्टडी किया है ये जो स्मॉल सेगमेंट है ये बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह ओके okay, मीन्स

सेगमेंट टू पॉइंट पी का सो दैट इज स्क्वायर ये ठीक है स्मॉल सेगमेंट इसलिए किया है हमने कि अगर आप इन स्मॉल सेगमेंट्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल लें और उन फील्ड्स को सभी का वेक्टर सम कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ओके और टोटल सम करने के लिए आप हमेशा क्या यूज करते हैं इंटीग्रेशन ओके इंटीग्रेशन का मीनिंग है सभी का सम करना जो भी पॉइंट्स आपको दिए हैं उन सभी का सम करना सो डी इज इक्वल टू के डी क्यू टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज समेशन या इंटीग्रेशन ऑफ डी एंड डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। नाउ के इज कॉन्स्टेंट तो के बाहर आ जाएगा सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई एक्स स्क् ओके बट यहां इंटीग्रेशन कब करते हैं जब आपके पास कोई वेरिएबल हो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होता है बट यहां देखिए x तो वेरिएबल है क्योंकि x की जो वैल्यू है ये जो सेगमेंट है इससे x डिस्टेंस पर पॉइंट P है अगर आप अदर सेगमेंट कट करते तो उसका डिस्टेंस कुछ और होता तो वेरिएबल क्या है एक्स एक्स की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है वो वेरिएबल है तो आपको यहाँ डी क्यू को इस तरह से चेंज करना है कि वो डी एक्स के फॉर्म में आ जाए तो हमने स्टडी किया है चार्ज डेंसिटी दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैमडा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ ये स्टडी किया है चार्ज पर यूनिट लेंथ बट फॉर स्मॉल सेगमेंट दैट दीक्यू बाई डी एक्स ओके देन डी क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा डी एक्स तो हम डी क्यू के प्लेस पे लेमडा डीएक्स लिख सकते हैं ओके ये क्लियर हो गया सो के डी क्यू के प्लेस पे हम लेमडा डीएक्स पुट कर देंगे एंड देन एक्स स्क्वायर नाउ लेमडा इज कॉन्स्टेंट फॉर एवरी सेगमेंट सो लेमडा विल बी आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन सो के लेमडा इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स स्क्वा ओके अब देखो हम हमें चार्ज अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा इस स्मॉल सेगमेंट के थ्रू ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बट हमें इस पूरे कंडक्टिंग वायर यहां से इस एंड से लेकर इस एंड तक ये पूरा जो कंडक्टिंग वायर है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो आपको जो लिमिट करना होगा वो क्या होगा इस पॉइंट से इस एंड का डिस्टेंस कितना होगा ए सो एक्स की वैल्यू कहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे आप और टोटल पी से सेकेंड एंड तक का डिस्टेंस क्या होगा ए प्लस एल सो ए प्लस एल तो लिमिट कहाँ से आप ए से चलें और ए प्लस एल तक गए ओके सो लिमिट हो गया ये अब एक्स की पावर टू तो x की पावर टू का इंटीग्रेशन क्या होगा ओके अगर आप x की पावर माइनस टू कर लें और dx कर लें तो x की पावर टू या जैसे इंटीग्रेशन के रूल्स होते हैं x की पावर में अगर कोई हो तो पावर प्लस हो जाती है वन एंड डिनोमिनेटर में वन प्लस हो जाता है ओके तो ये रूल्स हैं फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के ये आपको लर्न करने होंगे सो x की पावर माइनस वन और यहाँ माइनस वन सो आपका आंसर हुआ माइनस वन बाई एक्स तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन बाई एक्स इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या हुआ माइनस वन बाई एक्स ओके एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक ए से ए प्लस एल तक अब लिमिट को आप पुट करिए सो के लेमडा इज इक्वल टू माइनस पहले आप लोअर लिमिट लगाएंगे एंड देन माइनस अपर लिमिट सो ए प्लस एल एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो वन बाई ए ओके इसे सॉल्व करिए सो के लेमडा इज इक्वस टू एलसीयम लेंगे सो ए ए प्लस एल एंड देन माइनस ए एंड ये एल्सीय लेके प्लस ए प्लस एल हो जाएगा माइनस ए प्लस ए कैंसल आउट हो गया सो के लेमडा इज इक्वस टू सॉरी के लेमडा इंटू एल बाई ए इन टू ए प्लस एल अब लेमडा की वैल्यू क्यू बाई एल पुट कर सकते हैं सो लेमडा इज इक्व टू क्यू बाई एल एंड ए ए प्लस एल ओके एल से एल कैंसल आउट सो के क्यू बाई ए ए प्लस एल अब ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब अगर आप कंडक्टिंग वायर की लेंथ को काफ़ी स्मॉल कंसिडर करें मीन्स एल इज़ वेरी वेरी लेस देन टू ए तो आप एल की जो वैल्यू है उससे नेग्लेक्ट कर सकते हैं या फिर टेंस टू ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके इसमें के क्यू बाई ए स्क्वायर ओके देखो इस ये जो फॉर्मूला है ये आ रहा है आपके पास पॉइंट चार्ज का तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोड जो है उसकी लेंथ को आपने पूरा कम कर दिया पूरा नेग्लेक्ट कर दिया तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा ओके सो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपके पास है सो so, ये प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है नाउ नेक्स्ट वन सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास एक सेमी सर्कल गिवन है एंड इस सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर ओके okay, और इस सर्कल के सर्कम पर ओके okay, ये हाफ ही सर्कम होगा टोटल टू पाई आर होता है तो इसका सरकम क्या हो जाएगा पाई आर इस सरकम पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओके आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल आर्क सेमी सर्कल के सेंटर पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस आर ओके देखिए इसे समझिए इस कंडीशन uh, में हम क्या करेंगे यहां पर एंगल चेंज हो रहा है ओके okay, अगर आप इस पॉइंट से देखें तो यहां पर एंगल डिफरेंट होगा इस पॉइंट से देखें तो यहां डिफरेंट होगा सो so, यहां पर वेरिएबल क्या है एंगल तो सपोज आप थीटा एंगल पर जाकर अगर एक स्मॉल सेगमेंट का एंगल डी थीटा कट करते हैं और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डी क्यू क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है सो स्मॉल सेगमेंट के लिए चार्ज डी क्यू होगा ओके एंड रेडियस तो सेम होगा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर होगा ओके okay, सेंटर से आप कोई भी लाइन ले लें ले रेडियस तो सेम ही होगा अब इस सेगमेंट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें और टोटल यहाँ से एंगल क्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है थीटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से और पूरा आप कवर करेंगे तो क्या होगा वन एटी मीन्स पाई तक आपको जीरो से पाई तक जाना है ओके okay, तो लिमिट आप लास्ट में जीरो टू पाई लगा देंगे बट अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द सेंटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेगमेंट की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगी ये हम सबको पता है ओके okay, सो so यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी डी स्मॉल सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा अब अगर ये एंगल थीटा है तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस से ओके ये इस तरह से एक्स शेप बन रहा है तो सेम एंगल होता है ये भी थीटा होगा अगर यहाँ पर थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है तो इसके टू कंपोनेंट्स होंगे कॉस थीटा एज वेल एज साइन थीटा बट कॉस थीटा जो है वो थीटा के साइड पे होगा जो थीटा जहाँ पर है वहाँ पर कॉस सेगमेंट होगा ओके सो डीई कॉस थीटा दिस इज दिस इज द दॉरिजोटल कंपोनेंट बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है साइन थीटा सो डीई साइन थीटा इन दिस वे ये टू कंपोनेंट्स हो गए अब देखिए अगर आप इस सेमी सर्कुलर आर्क को डायमेट्रिकल अपोजिट देखें तो सेम ये जो सेगमेंट है वो इस प्लेस पे होगा ओके okay, अगर कोई सेगमेंट यहां हमने कट किया तो उसका ओपोजिट या मिरर एलिमेंट यहां पर होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैं इस रेड पेन से बना रही हूँ उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा और उसके लिए अगर यहाँ एंगल थीटा है सो so यहाँ पर डी ई कॉस थीटा क्योंकि थीटा के साइड पे जो कॉम्पोनेंट होता है वो कॉस्ट थीटा होता है सो so यो दिस इज थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा डी ई साइन थीटा तो देखिए डी थीटा एंड डी थीटा ये दोनों ऑपोजिट हो गए ओके एंड इक्वल हैं तो ये कैंसल आउट जो थीटा वाली जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डायमेट्रिकल ओपोजिट कॉम्पोनेट के कारण या फिर मिरर इमेज के कारण ये दोनों कॉम्पोनेंट क्या होंगे कैंसल आउट हो जाएंगे आपके पास ओनली वन कॉम्पोनेंट बचेगा डेट इज डी साइन थीटा ओके अभी हम सिर्फ इस सेगमेंट के लिए बात कर रहे हैं सो डी डीई साइन थीटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो डीई सिर्फ इसी की वजह से बनेगा डी ई साइन थीटा की वजह से ओके स्मॉल सेगमेंट के लिए अब टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें सो so, इससे आपको इंटीग्रेट करना होगा डीई साइन टीटा ओके नाउ डीई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर ओके सेंटर से इस सेगमेंट का डिस्टेंस आर है सो कैपिटल आर स्क्वायर एंड साइन टीटा विल बी इक्वल्स टू साइन टीटा अब कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा है आपके पास यहां पर सॉरी डी क्यू ओके अब कांस्टेंट टर्म आपके पास है के एंड आर स्क्वेयर सो के आर के बाय आर स्क्वेयर बाहर हो जाएगा एंड डी क्यू इन टू साइन थीटा यहाँ पे होगा अब प्रॉब्लम वही आ गई है कि डी क्यू को आप थीटा के टर्म में लेना है क्योंकि वेरिएबल जो है वो थीटा है तो डी क्यू को हमें थीटा के टर्म में कंसिडर करना है सो so, सर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ होता है ओके okay, ये हमने स्टडी किया है बट इस के लिए जो लेंथ है वो क्या होगी पाई आर क्योंकि टू पाई आर सर्कम टोटल टोटल सर्कल का होगा बट हाफ सर्कल है यहां पर सो पाई आर क्यू बाई पाई आर दिस इज द सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी बट फॉर स्मॉल सेगमेंट इस सेगमेंट के लिए चार्ज डेंसिटी क्या होगा सो so, इस सेगमेंट के लिए चार्ज डेंसिटी लैमडा इज इक्वल टू चार्ज डी क्यू होगा एंड डिस्टेंस क्या होगी इसकी सो so, हम हमने डिस्टेंस का जो फार्मूला है हम एक और फार्मूला लर्न करते हैं जो कि होता है एंगल इज इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस ओके ये हमने लोअर क्लास में स्टडी किया है मैथ्स में सो एंगल विल बी डी थीटा एंड आर्क क्या हुआ आर्क मीन्स डिस्टेंस ऑफ स्मॉल सेगमेंट एंड रेडियस इज आर सो आपके पास लेंथ ऑफ स्मॉल सेगमेंट मीन्स आर्क इज इक्वल टू होगा आर डी थीटा ओके तो यहाँ पर आर डी थीटा लेंथ हो जाएगी आपकी आर डी थीटा फॉर स्मॉल सेगमेंट क्लियर है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस उस फॉर्मूले से आपने इस सेगमेंट की लेंथ ले ली ओके एंड लेंथ विल बी आर डी थीटा अब इस लेंथ को इस फॉर्मूले को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के बाई आर स्क्वा डी क्यू यहां डी क्यू इज इक्वल्स टू होगा लैमडा आर डी थीटा ओके सो लेमडा आर डी थीटा एंड देन साइन थीटा क्लियर है के अब जो भी टर्म आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है वो आप बाहर कर ले इंटीग्रेशन के सो आर स्क्वायर एंड साइन थीटा डी थीटा ओके और आपको लिमिट कहाँ से जीरो टू पाई सो जीरो टू पाई आपको लिमिट लेने ओके नाउ आर से आर कैंसल ओके के लेमडा बाई आर यहां साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा एंड जीरो टू पाई लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो के लेमडा बाई आर विल बी माइनस कॉस पाई एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो कॉस जीरो ओके के लेमडा बाई आर माइनस कॉस पाई कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन एंड कॉस जीरो की वैल्यू प्लस वन ओके सो कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन एंड दिस इज वन सो के लेमडा बाय आर दिस इज माइनस माइनस प्लस प्लस वन प्लस वन दैट इज टू तो आपका जो आंसर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टू के लेमडा बाई आर फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया ओके हाफ सर्कल हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से दी जा सकती है ओके okay. इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है एक रिंग एंड इस रिंग के सर्कम पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओके okay. सो सपोज चार्ज आपने क्यू कंसिडर कर लिए और ये जो है वो इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड रिंग का रेडियस कैपिटल आर है रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ओके फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर एट द डिस्टेंस एक्स ओके फ्रॉम दिस रिंग सो यहाँ पर इस केस में आप क्या करें तो इस केस में भी आपको वही करना है जो हमने लास्ट केस में किया स्मॉल सेगमेंट में इस रिंग को डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में इस रिंग को डिवाइड कर लेना है अब अगर आप यहाँ इस पॉइंट पर स्मॉल सेगमेंट कट करें तो इस सेगमेंट के लिए चार्ज Q की जो वैल्यू होगी दैट इज डी क्यू ओके एंड इस सेगमेंट से का डिस्टेंस अब ये जो एंगल है that is 90 degree हो रहा है है so, है के according, ये जो अब वैसे ही आपको सारी प्रोसेस करनी है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट इस छोटे से टुकड़े की वजह से एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज बिकॉज यहाँ चार्ज पॉजिटिव है इसीलिए अवे फ्रॉम द चार्ज एंड इन दिस डायरेक्शन डी बट अगर ये एंगल थीटा है आपका तो ये भी एंगल थीटा होगा बाई समेट्रिक और थीटा जिस एंगल पर है वहाँ कंपोनेंट ओके क्योंकि डी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर थीटा एंगल पर है तो वहाँ कंपोनेंट्स क्रिएट हो जाएंगे टू कंपोनेंट्स एंड थीटा के साइड कॉस थीटा एंड अगेंस्ट परपेंडिकुलर जो सेगमेंट रहेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज साइन थीटा सो डी ई कॉस थीटा एज वेल एज परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट डी ई साइन थीटा ओके अब बात आती है कौन सा कॉम्पोनेंट हम कंसिडर करें और कौन सा नहीं करें सो so, यहाँ पर भी वही केस जो लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने ये जो सेगमेंट है इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेगमेंट यहाँ होगा ओके okay, मीन्स ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसका जस्ट मिरर पार्ट आपको इसके ऑपोजिट मिलेगा ओके अगर आप यहाँ कोई पार्ट कंसिडर करें तो वो यहाँ मिलेगा तो ऐसे ये जो रिंग है इसके ऑपोजिट कॉम्पोनेंट भी होंगे अगर इस पार्ट को आपने कंसिडर किया है तो इसका ऑपोजिट जो एलिमेंट है होगा वो यहाँ होगा और इसके थ्रू डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे होगा सो दिस विल बी ऑल्सो थीटा एंड डी ई कॉस टीटा यहाँ अगेन डी ई कॉस टीटा एंड अपो ऑपोजिट एलिमेंट इज डी ई साइन टीटा सो डी साइन थीटा इज इक्वल एंड ऑपोजिट बिकॉज डी ई की वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि कॉम्पोनेंट सेम है तो डी ई साइन टीटा डी ई साइन टीटा विल बी ऑपोजिट एंड इक्वल सो दे विल कैंसल एच अदर आपके पास कौन सा कॉम्पोनेंट बचा डी ई कॉस्ट थीटा तो डी ई जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ डी ई कॉस्ट थीटा एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना होगा सो डी ई कॉस्ट थीटा को आपने इंटीग्रेट कर दिया फॉर द टोटल वैल्यू ओके नाउ

दैट इज कॉस्ट सीटा सो कॉस्ट थीठा यस नव जो कॉन्सटेंट टर्म है वो आप बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन के ओके एंड डी क्यू बाय के तो कॉन्सटेंट है ही इससे इस हम आगे देखते हैं कॉन्सटेंट है या वैलिएबल है सो वन बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस्ट थीटा कॉस्टीटा की वैल्यू को भी आप एक्स और आर के टर्म में इजीली रिटर्न कर सकते हैं ओके okay. सो को सीटा विल बी यहाँ से क्या होगा कोटा ये एंगल नाइंटी डिग्री है सो दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस एंगल इज सीटा सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड को सीटा इज बेस्ट अपॉन हाइपोटेनियस सो एक्स बाई अंडरवूड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू को आप इसे क्वेश्चन में पुट करिए के एंड इंटीग्रेशन डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड cos सीटा फॉर एक्स बाय आर स्क्वा प्लस एक्स स्क्वायर इसे हम वन बाई टू कंसिडर कर लेते हैं ओके okay, रूट है इसीलिए वन बाई टू कंसिडर किया एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू के डी क्यू इंटू एक्स एंड हियर आर स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पावर वन है एंड देन वन बाई टू सो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी वन प्लस वन बाई टू दैट इज गोइंग टू बी थ्री बाई टू अब देखो ये जो रिंग है अगर आप ये पूरी रिंग माने तो इस रिंग से ये जो पॉइंट P है इस रिंग के किसी भी पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट P की लेंथ को देखें तो वो सेम रहेगी मीन्स ये जो वैल्यू है R की R तो सेम ही है रेडियस तो रिंग का सेम ही आप कहीं भी जाए जाएंग से, रि, के सेंटर से किसी भी डिस्टेंस को लें किसी भी सेगमेंट को ले आर विल बी सेम रेडियस विल बी सेम फॉर एवरी पॉइंट ऑफ दट रिंग ओके एंड फॉर दिस लेंथ एक्स दिस इज ऑल्सो भी कॉन्स्टेंट तो ये जो टर्म है आर एंड एक्स स्क्वायर दिस विल बी कॉन्स्टेंट टर्म सो ये आपका बाहर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वेयर एंड देन पावर थ्री बाई टू ओके एंड एक्स तो है ही मैंने बोला एक्स बाहर हो जाएगा एंड अगेन इंटीग्रेशन डी क्यू सो डी क्यू इज फॉर स्मॉल सेगमेंट ऑफ चार्ज एंड क्यू इज फॉर होल्ड रिंग ओके सो टोटल चार्ज विल बी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर थ्री बाई टू एंड डी क्यू इज टोटल चार्ज क्यू ओके सो ये आपका जो फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज इक्वली यूनिफॉर्म चार्ज रिंग इफ यू कंसिडर द स्मॉल रिंग विल बी अ पॉइंट चार्ज ओके मीन्स अगर आप आर की जो वैल्यू है वो काफी छोटी हो एक्स के कंपैरिजन में ओके ये डिस्टेंस काफी बड़ा हो इस रेडियस के कंपैरिजन में देन अगर देन आर स्क्वेयर तो और भी छोटा होगा सो आर स्क्वायर टेंस टू जीरो कर सकते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के एक्स क्यू बाई आर स्क्वायर के प्लेस पे आप जीरो कंसिडर करें सो एक्स स्क्वायर एंड देन पावर थ्री बाई टू टू से टू कैंसिल सो एक्स की पावर थ्री एंड हिअर इज इक्वल्स टू एक्स से एक्स कैंसिल सो के क्यू बाई एक्स स्क्वा ओके तो ये आ गया पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो के क्यू बाय आर स्क्वायर तो यहाँ आर स्क्वायर के प्लेस पर एक्स डिस्टेंस है सो एक्स स्क्वायर हो गया ओके okay, मीन्स इस रिंग को अगर आप पॉइंट की तरह काफ़ी दूर से देखें तो वो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा ओके okay, एक्स की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें तो वो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई होगा सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे एंड दिस इज़ डन फॉर टूडेज क्लास नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्क पर डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सो स्टेट यून एंड Keep watching and keep learning. Thank you so much.